Come in, Mehla. Good morning, sir. Very good morning. Sit down. Thank you, sir. मुझे मालूम था कि अच्छा इंटरव्यू देने के बाद तुम रिजल्ट्स के लिए जरूर परेशान हो रही होगी. We are pleased to appoint you in our establishment. Thank you. Thank you very much, sir. I will do my best, sir. That's good. देखो बेटे, नौकरी के माने सिर्फ घड़ी की सुइयों से वक्त पूरा करना या सैलरी ले लेना ही नहीं है. यू नो, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट. खासतौर पर तुम जैसी लड़की के लिए ये एक टेस्ट पीरियड होता है, एक क्रॉस रोड पर खड़े होने जैसा. मैं समझी नहीं सर. ओह, दैट्स वेरी सिंपल माय चाइल्ड. देखो, कल को तुम्हारी शादी होगी, 10 दिक्कतें सामने आएंगी, हो सकता है कुछ घरेलू झंझट भी हो. यू नो, लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है. एंड दे सिंपली कांट हेल्प इट. अब सोचो, ऐसे में कंपनी पर कितना बुरा असर पड़ेगा. आफ्टर ऑल, कंपनी तुम्हारी ट्रेनिंग पर काफी वक्त जाया करेगी, काफी पैसा खर्च करेगी. मैं समझती हूँ सर, बट आई एश्योर यू ऑफ माई डिवोशन टू माई जॉब. मामूली घर की लड़की हूँ सर. माँ है नहीं, सिर्फ पापा हैं. न जाने कितना बोझ है मेरे कंधों पर, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी सर. आई नीड योर ब्लेसिंग सर. गॉड बी विद यू माई चाइल्ड. आजकल मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, खुश तो हो ना? मेरे पास शब्द नहीं सर. एक अच्छी और इज्जतदार नौकरी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी. अच्छा सर, थैंक यू सो मच. नमस्ते. नमस्ते. गॉड ब्लेस यू. मिस मंजू, मिस्टर सिन्हा से कह करके मिस लाल का अपॉइंटमेंट लेटर आज ही डिस्पैच करा दीजिए. मूस मुड़वा दो मेरी कचहरी के चौराहे पर. लाल पेशकार की इज्जत आबरू क्या रहेगी? 4% की क्लर्की का जॉब लेटर क्या आ गया है? कोलतार पोतने पे आमादा बैठी है. माँ तो है, गाल फुलाने को बाप है. कुत्ती बेटी, मना लिख दे. तरह तरह के मर्दों में घुस कर जवान जहान लड़की का दफ्तर में नौकरी करना अच्छा नहीं लगता. खुदा के फजल से तेरी भाजी पक्की हो गई है, बस हाथ पीले हो जाए फिर क्या. जैसा तेरी ससुराल वाले कहे वैसा कर. मिर्जा चचा, मुझे जुबान खोलने ही कौन देता है? लड़की थोड़ी हूँ, काफूर हूँ कि हवा लगते ही गायब हो जाऊंगी. न जाने कितने रिटन टेस्ट, कितने इंटरव्यू. अब जाके एक नौकरी मिली है तो उसे भी झूठी अड़ पर कुर्बान कर दूं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को मेरी नौकरी बुरी ना लगे. इतना पैसा खर्च करके दद्दा ने कॉन्वेंट में पढ़ाया, एमए कराया, और अब डिबिया में बंद होके बैठी रहूं? अरे भागन, कॉन्वेंट में इसलिए पढ़ाया था कि ब्याह की बेल मढ़े चढ़ जावे. जहां पढ़ो मिर्जा, अखबार में बस एक ही मांग, वांटेड ए कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल. अब कभी पता चल गया कि बहू दफ्तर में गुलगप्पे कर रही तो बस लगी लगाई बात खत्म, रह गए माथा पीट के. हाँ ये तो है. क्या जमाना आ लगा है नंदलाल. हमें तो कमबख्त कॉन्वेंट की स्पेलिंग ही नहीं मालूम कि कैसे लिखा है, किस चीज से. हमारे टाइम में ये सब झोल जब था ही नहीं. बस ये देख लेते थे कि लड़की हाथ पैर से मजबूत और सही है. जैसे बकरा खरीद रहे हो. मिर्जा चचा, आपने मुझे फ्रॉक पहनने के डर से खिलाया है, अदब करती हूँ आपका, लेकिन आज इतना कहे बिना ना रहूंगी कि हाथ आई नौकरी नहीं जाने दूंगी. सोचो चचा, तुम्हारी बेटी ऐसा कौन सा गुनाह कर रही है कि सबकी नाक नीची हो जाएगी. मैंने फैसला कर लिया है, मुझे ज्वाइन करना है और करना है. चाहे लगन टूट जाए, चाहे सारी जिंदगी बाप के गले का फोड़ा बन के बैठी रहे. क्यों दद्दा, एक बार अपनी बेटी को ध्यान से देखो. मैं तुम्हें गले का फोड़ा लगती हूँ? मान और मर्यादा के साथ गृहस्थी को सहारा देने वाली बहू किसी को बुरी लगती है क्या? दद्दा,
वक्त की ऊंच नीच और जरूरत को जो समझता है वो खुद रिश्ता लाएगा। दुर्गा, अब कुछ हो के रहेगा, देखता हूँ कैसे करती मनमानी। मनमानी? मनमानी ढंग से मचलने के दिन तो तभी चले गए दद्दा, जब माँ चली गई। बेटी बाप से क्या मनमानी करेगी, बेटा होती तो और बात थी। मुझे हर हाल में ये नौकरी ज्वाइन करनी है और करनी है, बस। कुंती, सुन रहे तुम्हें मैं दस की बातें सिचुएशन गुलम फेट हो रही है, संजय दिमाग से पहुंचे नजार। अच्छा मैं करता हूँ, उसको चाहिए तो नहीं, इस वक्त नहीं, फिर कभी। अपनी बढ़ती है या ठंडे दिमाग से सोचना है, फिर मिलेंगे। अच्छा ठंडा और मीठा दशहरी दाल की, मलियाबाद की खरबूजा, लखनऊ का लखनऊआ खरबूजा। राम राम भैया, आज बड़ी जल्दी निपट गए हो। दशहरी दशहरी दाल की, मलियाबाद की ठंडा मीठा तरावट वाला, लखनऊ का खरबूजा। चचा चचा चचा, अरे क्या चचा चचा लगा रखी है, कितनी बार कहा कि पीछे से मत टोका कीजिए, चचा चचा। अरे चचा, सलाम पेश कर रहा हूँ। जीते रहिए चचा। आपको हमारी जान कसम, जो तरबूजों पर नजर डाले बगैर आगे बढ़े, एक हम हैं कि आप पर पूरा लखनऊ लुटाने को बैठे, और एक आप हैं घास ही नहीं डालते। अजी लीजिए ललन टॉप। क्या कहा? लालू लाल सुरखा सुरुख, अजी खाइए ना, अजी अजी फोकट में। नहीं भाई आज नहीं। क्यों? आज दांत घर पर रखे आया हूँ। राहुल वाला कुवत, अजी दांतों की जरूरत ही नहीं, एकदम हलवा है हलवा। हम अजीब लम चोच है आप, मैंने कहा नहीं कि आज मूड नहीं है, फिर कभी। चचा उधर कहाँ, इधर। और चचा आपको हमारी जान कसम, जो तरबूजों के चक्के के बगैर आगे गुजरे, आप मेरे जनाजे से गुजरेंगे। हाय 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 हाय, सारे लखनऊ की नजरों से बचा के रखे थे ये दो यतीम तरबूज, किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। अजी वो जो आपके किराएदार हैं। कौन? अजी क्या नाम है, बोरिंग साहब? बैरिंगटन। बैरिंग बैरिंग साहब जी, आप वो खरीदना चाहते थे, तीन रुपए सुनकर आगे बढ़ गए। अब इन बेनसीब तरबूजों की उज्जत हुजूर आप ही के हाथ में है। क्या बैरिंग खरीदना चाहता था जी? मन मार गया या खुदा, क्या जमाना लगा हुआ है कि एक औसत आदमी सीजन का फल फ्रूट भी नहीं खरीद सकता। बाल बच्चेदार होना कितनी बड़ी सजा है। अच्छा मियां, ये दो रुपए रखिए। चचा ये आप क्या दे रहे हैं? अमा एक रुपया अगले सीजन में ले लीजिएगा। अजी कल मुकीम को देना है। अमा क्या मुकीम, मुकीम लगाया गया, हम कहीं मरे जा रहे हैं। लाहौल विला कुवत। अमा ये आम कैसे दिए? ले लीजिए चचा। हमें दाम तो बताइए। बनियाबाद की दशहरी है, 6 रुपए। 6 रुपए? आप तो कोई ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये मैं अपने तोते को दे दूंगा, आधा लो। अजी क्या क्या जी हो चचा, जाने कितने नेक काम किए होंगे इस लखनऊ शहर ने, जो तुम जैसा बुढ़ा पैदा किया। एकदम तरबूज, ऊपर से टाइट और अंदर से हलवा। ठंडा और मीठा द्रविड़ वाला, दशहरी मलियाबाद खरबूजा, लखनऊ लखनऊ का खरबूजा लखनऊ, ठंडा और मीठा। प्यारा बहू, अंदर आइए अंकल, दरवाजा खुला है। ओहो, तो आप यहाँ धरी हैं, और उधर आपका वहाँ ये बड़ा ताला लटक रहा है। बहू वो शटलकॉक कहाँ है?
शटलकॉक? हाँ, मास्टर बैडमिंटन। जी वो अंदर सो रहा है। अच्छा अच्छा, उसके लिए तरबूज लाया हूँ। तरबूज? हाँ। अरे बड़े मियाँ, बड़ा दिल कर दिया, चवन्नी तो खर्च की। मियाँ ये तरबूज है कि खरबूजे? जीते रहिए, आपको ये खरबूजे नजर आ रहे हैं। बहू तू इसे रखे। और सुन बहू, ज्यादा घास मत डाला कर बुढ़िया को। अंकल इस उम्र में चमेली का तेल, कंघी चोटी तेल फुलेल। है मियाँ, छछुंदर पना ना करो, कुछ बहू की शर्म खाओ। कुछ सुना भी है आपने? क्या? नंदलाल पेशकार कहवा सिचुएशन बॉइलिंग, उबाल खा रही है। बाप और बेटी के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर। मियाँ अंग्रेजी तो बघारू मत, कम पढ़े लिखे के बूढ़ अंग्रेजी भी मरी पछतावे। कौन नंदलाल अंकल? अरे तू उन्हें नहीं जाने है, पुराने पेशकार है, बाप बेटी दो जने। अरे बात क्या है? क्या बताएं दीदी, लड़की को कहीं नौकरी मिल गई है, शादी भी पक्की हो गई है, नंदलाल अड़े है कि नौकरी नहीं करने देंगे, लड़की रिवर्स गियर पर है। ठीक है अंकल, तो इसमें बुराई क्या है? आजकल नौकरी भी कहाँ मिलती है? ये तो बेकार की जिद है बाप की, चार पैसे कमा लेगी तो अच्छी गृहस्थी बनाएगी ना। लो ये कवर आ गई लड़की की एडवोकेट। शर्म हया सब पार्सल हो गई क्या? अरे हाय, इसमें शर्म हया कहाँ से आ गई बीच में? बाहर मुल्कों में भी औरतें घर घर काम पे जावे, अपनी मेहनत के चार पैसे लावे हैं। अरे मियाँ, तुम काहे नंदलाल की तरफ से फुदक रहे हो? बहुत अच्छे, गोया के हम फुदक रहे हैं। नंदू की बेटी क्या हमारी बेटी नहीं? खुदा न खास्ता कल उधारवादों ने शादी तोड़ दी तो अचार डाल दीजिएगा लौंडिया का। फिर भी नानी मामा, सर्विस का चांस नहीं खोना चाहिए, और फिर इस महंगाई में। तुमने समझाया नहीं नंदुए को, हौलट जो हो जन्म के। हौलट? अरे वो पुट्ठे पर हाथ ही नहीं धरने दे रहा है, उसे तो सिर्फ एक ही फिक्र है, बेटी की शादी। अगर पूछा जाए तो प्रताप नारायण जैसा घर और ऐसा नेक लड़का मिलता ही कहाँ है। अरे कौन से प्रताप नारायण? वो महानगर वाले तो नहीं? हाँ हाँ वही। अरे आदमी तो बड़े नेक है। अरे मिर्जा मेरे साथ चलो, बड़े सवाब का काम है। नहीं नहीं नहीं, मुझे दूसरों की आग में भुट्टे भूजने का शौक नहीं है, आप ही मरिए जाकर। है मियाँ, जबान है या फटा हुआ स्लीपर? अभी अभी कुंती को अपनी बेटी कहा है कि नहीं? हाँ कहा, हाँ कहा था। फिर है? क्या चले जाइए ना अंकल प्लीज। अच्छा तू कहती है तो चला जाता हूँ। अच्छा चलिए, जाने कहाँ कहाँ जनाबा धोना पड़ेगा इस बुढ़िया का। चलिए नानी मामा। अरे चलिए भाई। अरे आ रही हूँ मियाँ, आ रही हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अच्छा बबू चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा नानी मामा। अंकल रास्ते में लड़ाई नहीं करिएगा। अच्छा बबू, अच्छा चलिए।
नमस्ते। अरे नानी आप सलाम। खुश रहिए। आइए आइए तशरीफ लाइए। बीबी आप जब से हद से क्या लौटी, माया मोह के सब रास्ते ही भूल गई। ना कहीं बेटे, सांस चलते तक कहीं छूटे है माया मोह। अरे बहू कैसी है? सब वाह है यार, रसोई घर में और बाकी सब लोग बाजार गए हैं। लड़के की शादी की तैयारियां हो रही हैं ना। और बाकी भी हम आपको पालकी पर बिठाकर बहू दिखाने लाएंगे। जा जा जा, बेचारी आपा की जो है, खुदा किसी को लगा लूला न बनाए। अरे लबर लबर ना करो बुढ़न, जगह और वक्त देख के बातें किया करो। हाँ अरे बेटा, तू एक फैसला कर दे, मेरे और मिर्जा के बीच में ठनी है। बात क्या है बीबी? बात दरअसल ये है। आप खामोश रहिए, हमें फरमाने दीजिए। देखिए, हमारा कहना है कि भले घर की बहू बेटियों का मर्दों के बीच काम करना घटिया लगता है। बुढ़िया उल्टा कह रही है, हवाई जहाज तक घूम के आई है ना। तुम्हारी क्या राय है मिर्जा जी? प्रैक्टिकल आदमी तो वही है जो वक्त के साथ चले। और जहां तक बहू बेटियों का सवाल है, जब वो पढ़ी लिखी है तो क्या हर्ज है उनका हाथ बटाने में। और अब तो घर घर की लड़कियां बाहर आ रही हैं। अरे मियां, लो चुन्नी भर पानी और जाओ अल्लाह करी। अरे मैं क्या प्रताप नारायण को नहीं जानती? तुम जैसे कूड़ मगज ना हैंगे। पर बीबी, ये फैसला आपने मुझ पर ही क्यों छोड़ दिया है? अरे बुरा ना मानना बेटे, मसलहत है। आदमी जो उसूल अपनी जात को लागू रखे, वही उसे दूसरों पर भी लागू करना चाहिए। एक लड़की के सपनों का सवाल है, अच्छी नौकरी मिल गई है पर बाप करने ना देवे है। आई डरे है कि ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। कौन है वो लड़की? मन डरा डरा सा लगे है कहते हुए, जाने उमिट किस करवट बैठे। ये भी कोई बात हुई बीवी? आपका अंदेशा हम पर बना रहे, माफ कीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगता। सो बात नहीं है बेटे प्रताप, उसूल बघारने और उसूलों पर चलने में बड़ा फर्क हो गया है। वो लड़की तुम्हारी होने वाली बहू है। क्या कह रही आप? इसीलिए तो हिचक रही थी, जानती थी कि डगमगा जाओगे। लेकिन पेशकार साहब ने तो इसका कोई जिक्र नहीं किया। बेटी के बाप है ना, पीकर रह गए। हार पूरा करने के लिए चुपचाप फूल का कलेजा सुई से छेदना ही पड़े। सच पूछो प्रताप, तो ये बेटी की जिद है कि चार पैसे कमा के गृहस्थी में लगाए। हम तो यही चाहते हैं प्रताप नारायण, कि ये दो भले घरों का रिश्ता जरा सी बात में टूट न जाए। लड़की हजारों में एक है, मैंने देखी, लेकिन ये नौकरी करने की जिद क्यों? आगे लोग मरे टूटे नहीं है। भगवान की दया से इकलौता बेटा है हमारा। हंसी खुशी के चार दिनों में बहुत दफ्तर खर्ची फिरे। सिर्फ चार दिन ही ना, फिर महंगाई ने घर घर चूल्हे बदसूरत कर रखे हैं प्रताप। फूल की पंखुड़ी से कौन तराश पाया है चट्टाने? चार दिन बाद पैसे की तकलीफ सारे सपने मरोड़ के रखते हुए है। मैं मानता हूं दीदी, मैं भी कोई धन्ना सेठ नहीं हूं, पर टोले पड़ोस वाले। अमा मिया, टोले पड़ोस वालों के न दिल होता है न दिमाग, सिर्फ जबानें होती हैं।
अपना आगा पीछा खुद सोचना चाहिए इंसान को। फिर हमारे तुम्हारे जिस्मों के पके फलों का क्या भरोसा? आज शाख से गिरे कल दूसरा दिन, आज जब तक तुम्हारा सहारा है सब ठीक ठाक। कल को लौंडा अकेली अपनी कमाई पर कहां तक ड्योढ़ी की रौनक बनाए रखेगा? अय प्रताप, लड़की की कोई बेजा जिद होती तो मैं उसका मुंह बंद कर देती। आई क्या बेटा राजी ना होवेगा? नहीं बीवी, वैसे तो लल्लन खुदी वर्ती गई के हक में है, बस बात यह है कि हमारे खानदान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। होता कैसे, कोई एमए पास आई ही ना होगी खानदान में। आई अपनी चोंच बंद रखो मिर्जा, बड़े पीएचडी हो ना। बेटा प्रताप, सवाल एमए का नहीं वक्त के तकाजे का है। बड़ी एड़ियां रगड़ के नौकरी मिली है उसको। बेटा प्रताप, वक्त की धूप निकल जाने पर आदमी अपने ही साए को तरसता रह जावे। उस मासूम का मन रखने को बड़ी आस लेके तेरे पास आई थी भैये, अब जैसा तू चाहे। ठीक है, ठीक है दीदी, मन माला करके शनाई बजी थी तो क्या बजी। आप जाकर बहू से कह दीजिए सर्विस ज्वाइन कर ले। पटाव और पेशकार साहब का डर भी दूर कर दीजिए। आपकी खुशी में अनगिनत दुआएं हैं दीदी। क्या मेरे मौला, मेरी बाकी उम्र भी इस नए इंसान को दे, पोते का मुंह देखे मेरा पता। उम्र बची ही कितनी है आपकी, यही एक्सटेंशन पर चल रही है। अरे मियां, कबर तले भी मरा छछूंदर पना करते ही रहोगे। अरे बेटा, मेरा मन ठंडा हो गया, चलो नंदलाल को खुशखबरी सुना दो। अच्छा मैडम, अरे हाय, तुम थोड़ी देर यहीं धरे रहो, शुभ काम में को साथ ना ले जाना चाहिए। बहुत अच्छे, आपके वक्त तो साथ ही आए, अब हम अनुर हो गए। अच्छा बेटा, अब चलती हूँ। बहुत अच्छे, स्पीड देख रहे हो वो बुढ़िया की, जाने किसके किसके सपने सजाने का कर जोर रखा है बाबू। कमजोर तो हम सभी हैं मिर्जा जी, जो हकीकत को छिपाने के लिए दुनियादारी का पर्दा डालते हैं। अब भला कोई पूछो तो बहू की कमाई तो बीवी को तो मिलना जाएगी, बस आईने आईने का फर्क। छोड़िए, इसी बात पर विसार बिक जाए। हाँ सांसों को न यूं पाबंद करो, कुछ तौर नए भी पसंद करो, जिनसे किरणें घर आती हूँ वो दरवाजे मत बंद करो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हर लब का तबस्सुम बनते हैं, ये बीबी नातियों वाले